सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ टेक डिफाइनर एंड आप देख रहे हैं टेक टॉक्स इंडिया। एंड अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास में यहाँ पर ये पीट्रोन के गेमिंग वाले वायरलेस ईयरबड्स हैं। एंड गाइस, इन वाले ईयरबड्स को मैंने आज से ऑलमोस्ट 20 दिन पहले परचेस किया था एंड इनका मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड किया था। सो गाइस, उसी वाली वीडियो पर आप में से कई सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि गाइस इसके माइक की क्वालिटी कैसी है कॉल वगैरह करते हुए या फिर गेमिंग करते हुए। एंड साथ में गाइस कुछ लोगों का कहना यह था कि इन वाले ईयरबड्स का एक डिटेल रिव्यू भी आप लेकर आ जाइए। तो गाइस, अभी मेरे को इनको यूज करते हुए 20 दिनों से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है एंड आज की इस वाली वीडियो में गाइस आपको मैं इन वाले ईयरबड्स का एक डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूं एंड इन वाले ईयरबड्स के बारे में आपको सारी बातें बता दूंगा डिटेल में कि इनका बैटरी बैकअप कैसा है, चार्जिंग टाइम कितना लेते हैं, कॉल करते हुए माइक में आवाज कैसी आती है एंड गेमिंग करते हुए लेटेंसी है या फिर नहीं है। तो गाइस सारा कुछ आज की वाली वीडियो में आपको पता लग जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो अगर सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि इन वाले ईयरबड्स की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है, तो गाइस देखिए प्राइस के हिसाब से इन वाले ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई है क्योंकि गाइस इन वाले ईयरबड्स के चाहे फिर वो केस की बात हो, केस में जो मटेरियल यूज किया गया है वो भी काफी अच्छा प्लास्टिक मैं बोलूंगा एंड इसमें आपको शाइनिंग वाला प्लास्टिक देखने को नहीं मिलता है तो स्क्रेचेस वगैरह भी नहीं आते हैं इसके केस पर। एंड वहीं पे गाइस अगर बात करते हैं ईयरबड्स की, तो ईयरबड्स में भी हमें सेम वैसा ही टाइप का प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिल जाता है तो स्क्रैच वगैरह वहां पर भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। एंड मैंने गाइस इन वाले ईयरबड्स को काफी रफली यूज किया है एंड गाइस अभी तक मुझे इन वाले ईयरबड्स के ना तो केस पर कोई भी स्क्रैच देखने को मिला है एंड ना ही मुझे इन वाले ईयरबड्स के ऊपर कोई भी छोटा या मोटा स्क्रैच देखने को नहीं मिला है। एंड गाइस गिरने से ही मुझे यहाँ पर याद ये आया है कि इन वाले ईयरबड्स को आप कान में लगाने के बाद में अपने सिर को चाहे कितने भी तेजी से हिला लीजिए, अभी मैं आपके सामने हिलाकर दिखा रहा हूं, तो गाइस ये वाले ईयरबड्स गिरते बिल्कुल भी नहीं है, ये कानों में आपके जाकर बिल्कुल फिट हो जाते हैं एंड काफी लाइट वेट हैं तो कंफर्टेबल भी काफी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कान में आपको कि हैवी सा फील हो कि कुछ भारी सा लटक गया हो हमारे कानों में, तो लाइट वेट है इसलिए कंफर्टेबल भी बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह करते हो या फिर जिम वगैरह करते हो तो वहाँ पर आप इनको आसानी से पहनकर जा सकते हो एंड जिम या फिर जॉगिंग करते हुए आपके जो ईयरबड्स होंगे वो आपके कान से निकलकर गिरने वाले नहीं हैं। एंड इसके अलावा गाइस अगर आपसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि कॉल क्वालिटी में इसके माइक का रिस्पॉन्स कैसा है, तो गाइस इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए अभी आपको यहाँ पर मैं एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जो कि मेरी और मेरे फ्रेंड की है। एंड गाइस मेरा ये जो फ्रेंड है इसके पास में सेम यही वाले ईयरबड्स हैं पीट्रोन वाले एंड वो भी काफ़ी अच्छे से इन वाले ईयरबड्स को यूज़ कर रहा है, तो अभी आप कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए, इससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कॉल क्वालिटी में इसका माइक कैसे आउटपुट आपको निकाल कर देगा। घर पे हूँ भाई। अच्छा बताइए। अरे मैंने इसलिए कॉल किया था ना, ये वाले जो नए वाले ईयरबड्स है ना जैसे आपके पास है, हाँ, तो उनकी टेस्टिंग कर रहा था मैं। हाँ, तो आपसे ये पूछना था कि माइक वगैरह पे आपका आवाज अच्छी आ रही है। हाँ एकदम बढ़िया आ रही है। मतलब कौन सी ब्रांड की ले ली है? पीट्रोन वाले भाई जो आपके पास है ना। सेम है? हाँ भाई। मतलब मुझे तो कोई बोल रहा था कि आईफोन के ले लिए। अरे नहीं यार, अभी कहाँ आईफोन के, आईफोन के भी लेंगे और कहाँ हो। घर पे ही हूँ, ड्यूटी से आया था अभी। अच्छा अच्छा, और डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब भी घूम रहे हैं। तो कुल मिला के आवाज क्लियर है ये बताओ? हाँ आवाज क्लियर है। बाय चांस इसमें ये दिक्कत होती है कभी कभी, ज्यादा ये लगता है काफी दूर से बोल रहे हैं, वैसे आवाज ठीक आ रही है। चलो ठीक है, मैं बाकी काम कर लूँ फिर इसके बाद। ठीक है। तो गाइस सुन लिया आपने कि कॉल क्वालिटी में आपको माइक्रोफोन का आउटपुट कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है एंड जैसा कि मेरे फ्रेंड ने भी बताया कि आप कभी कभी थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि आप एक खाली रूम में बैठे हो तो आपकी आवाज जो होगी थोड़ा सा गूंजने लग जाएगी, तो ऐसा आउटपुट गाइस हमें इसके माइक्रोफोन से देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा गाइस कॉलिंग करते हुए नॉइज वगैरह तो मुझे देखने को नहीं मिला है एंड आपने भी गाइस अभी नोटिस किया होगा कि कॉल रिकॉर्डिंग में आपको नॉइज वगैरह बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया होगा, तो नॉइज कैंसिलेशन वगैरह अच्छे से कर देता है। एंड बाकी गाइस अगर आप इसकी प्राइस रेंज को कंसीडर करते हो तो काफी सही कॉल क्वालिटी मुझे यहाँ पर देखने को मिली है इन वाले ईयरबड्स के माइक्रोफोन से। एंड बाकी आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिएगा। एंड वहीं पे गाइस अगर आपसे मैं बात करता हूँ कि गेमिंग में इसमें साउंड में लेटेंसी आती है या फिर नहीं आती है, तो गाइस देखिए मेरे पास में यहाँ पर iOS का एक डिवाइस है एंड इसके साथ में गाइस मैंने इसको एंड्रॉइड पर भी टेस्ट किया है, तो गाइस देखिए मेरे को iOS डिवाइस में कोई भी साउंड का लेटेंसी वगैरह देखने को नहीं मिला है। हाँ कभी कभी जब आप कार वगैरह चला रहे होते हो BGMI में तब आपको वहाँ पर थोड़ा सा साउंड का लेटेंसी देखने को मिलता है, ज़्यादा नहीं है ऐसा जो कि आपको बहुत ज़्यादा नोटिस हो जाए। बट वहीं पे गाइस अगर बात करता हूँ एंड्रॉयड पे, तो हाँ गाइस मैंने एंड्रॉयड पे इसको जब टेस्ट किया था तो एंड्रॉयड में गाइस मेरे को पूरा का पूरा 1 सेकंड का लेटेंसी देखने को मिला था साउंड में, तो एंड्रॉयड में गाइस इसमें काफ़ी ज़्यादा लेटेंसी आता है। एंड साथ में जैसे जैसे इसका बैटरी डाउन होता जाता है तो एंड्रॉयड में तो गाइस इसकी लेटेंसी और बढ़ती जाती है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में देनी है कि iOS में तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है बट एंड्रॉयड में आपको साउंड का लेटेंसी देखने को मिलता है अगर आप इसमें गेमिंग
करेंगे। इसके अलावा गाइस अगर ओवरऑल साउंड क्वालिटी वगैरह की मैं आपसे बात करूं तो देखिए गाइस मैंने इस पे सॉन्ग्स वगैरह को भी प्ले किया है एंड गेम वगैरह भी खेला है। एंड जैसा कि गाइस मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि इन वाले ईयरबड्स में हमें बेस बहुत ज्यादा ही देखने को मिलता है, बाकी साउंड क्वालिटी काफी ठीक है। बट कभी कभी गाइस जो बेस हमें इसमें ओवर बूस्टेड देखने को मिला है उसकी वजह से हमारे जो सॉन्ग्स की रिचनेस होती है, जो म्यूजिक की रिचनेस होती है, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि गाइस बेस ज्यादा होने की वजह से फिर हमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह की आवाज प्रॉपर समझ में नहीं आती है एंड हमारा जो ओवरऑल म्यूजिक का एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। एंड साथ में गाइस बेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इन वाले ईयरबड्स को आप बहुत देर तक लगाकर सॉन्ग्स वगैरह को या फिर म्यूजिक वगैरह को नहीं सुन सकते हो, क्योंकि फिर आपके हेडेक वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड सेम मेरे साथ भी वैसा ही होता है, इनको मैं ज़्यादा देर तक कानों में लगाकर म्यूजिक को नहीं सुन पाता हूँ क्योंकि बेस इसमें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। एंड म्यूजिक को अगर आप 50% वॉल्यूम तक रखकर सुनते हो तब ठीक है, साउंड अच्छा आता है, म्यूजिक की क्वालिटी वगैरह भी ठीक आती है, इतने बुरे भी नहीं है, काफ़ी ठीक है। एंड जो बेस वगैरह वाला फैक्टर है काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है, तो अपनी अपनी चॉइस है। मुझे जो नेगेटिव पॉइंट लगा मैंने आपके सामने बता दिया। एंड इसी के अलावा गाइस अगर बात करूं आपसे कि बैटरी बैकअप वगैरह कैसा है इनका, तो गाइस देखिए बैटरी बैकअप तो बहुत ही अच्छा है इनका। एक बार चार्ज करने के बाद में आपको 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है अगर आप इन पर कंटिन्यूअसली म्यूजिक को नहीं सुनते हो। एंड मैंने इन पर कंटिन्यूअसली म्यूजिक को सुना भी नहीं है एंड जहाँ तक गाइस मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, तो अगर आप इस पर 60 या फिर 70% वॉल्यूम पर म्यूजिक को सुनोगे तो बड़े ही आराम से 6 से 7 घंटे चल जाएगा। एंड केस में भी अलग से बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, तो वहाँ पर भी आपको बैटरी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। एंड बात करें गाइस चार्जिंग की, तो चार्जिंग भी काफ़ी फास्ट हो जाती है इनमें। एंड इसमें आपको टाइप सी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो आप किसी भी फास्ट चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हो एंड काफ़ी तेज़ी से आपके ईयरबड्स जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। एंड इसी के अलावा गाइस अगर बात करते हैं कि टच कंट्रोल्स वगैरह की, तो टच कंट्रोल वगैरह प्रॉपरली वर्क करते हैं, कोई भी इसमें डिले या फिर लैग वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी सही से इसके सारे टच कंट्रोल वर्क करते हैं। एंड गाइस 1500 रुपए के अंदर अंदर ये वाले ईयरबड्स बहुत ही सही है, तो आप इनको अपनी चॉइस या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज कर सकते हो। जो जो इसके प्लस पॉइंट थे, जो जो इसके नेगेटिव पॉइंट थे, सारा कुछ मैंने गाइस आपको इस वाली वीडियो में बता दिया है। एंड होप करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड इतना ही था आज की इस वाली वीडियो में गाइस। एंड अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है फिर क्वेरी है, तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे होम एंड बी गुड इन टेक। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तब तक के लिए बाय बाय।